TVS TVS रिडॉन क्लच प्लेट चेंज करने के लिए सबसे पहले ये साइलेंसर ओपन कर लेंगे। साइलेंसर ओपन करने वक्त ये कीक निकाल लेंगे और इसका क्लच ढबरा खोल के बताते हैं। क्लच प्लेट चेंज करने के लिए ये 1 2 3 ये बाहर करेंगे, फिर इसके अंदर का एक और बोल्ट होगा उसको खोलेंगे, फिर ये चारों खोल के अपन बाहर करके भी दिखाते हैं क्लच प्लेट कैसे चेंज करें। ये लगी है क्लच प्लेट, इसके अंदर प्रेशर प्लेट। जल गई पेट्रोल दे दो। अच्छा मेरा बेटा ठीक है, चलो मैं आज ही बैठ जाऊंगा। बोले जा देखो रखो, नहीं मेरी जगह है। जगह ठीक है, ये अंकल की है। मैं बैठ जाऊंगा। अरे छोटू एक ऐसा वाला काला होगा वो लेके आना, एक तरफ होगा उसके। नसीम भाई
क्या कपड़ा लगाने से क्या होता है कि नहीं घूमता भी नहीं है और उसमें स्क्रैच नहीं आते ना, तो स्क्रैच आने के कारण क्या होता है कि वो आवाज़ नहीं आती। जब भी TVS की गाड़ी खोले क्लच प्लेट चेंज करने के लिए या फिर कोई भी कारणों से, तो ये खोले तो इसको अच्छे से साफ कर ले, क्योंकि ये ज़्यादा जमा होने का नहीं होता है कि क्लच साइड का जो क्रैंक का जो होल होता है वो जाम होने के चांसेस हो जाते हैं, जिसके कारण क्या है क्रैंक में ऑयल नहीं जा पाता, जिससे साउंड ज़्यादा आता है और क्रैंक ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए इसे बेहतरीन साफ़ कर ले पेट्रोल से, उसके बाद धो के फिट करें। और ये चाबी जो है तो लगी होती है पतली सी, उसको सही अलाइनमेंट में ला के लगा दे और फिट कर दे। ये क्या, ये रॉन्ग थ्रेड होता है, इधर खुलता है उधर ये टाइट होता है। नमस्कार, कपड़ा देना लाल लाल कपड़ा कहाँ चले गए? Mm-hmm.